कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार ऐप आज ही डाउनलोड करें। हाय, गुड इवनिंग ऑल। मेरा नाम कृणाली है, मैं पुणे से हूँ और 3 months प्रेग्नेंट हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू विपिन सर हमारे लिए कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार शुरू करने के लिए। सर, अक्सर हमें घर में और बाहर भी ये पूछा जाता है कि गर्भ संस्कार क्यों करें। हम देख ही रहे हैं कि इसके बिना भी तो बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो गर्भ संस्कार क्यों? सी द सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, पहली बात तो हम ये समझ लें, गर्भ संस्कार ये विधा वैदिक काल से आप सनातन धर्मियों ने नित की है। ये करना छूटा अभी पिछले कुछ समय से है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हम ब्राह्मण हैं, हम रोज संध्या करते हैं, हमारे घर पे गायत्री करते हैं। अगर हमसे कोई कहे कि संध्या और गायत्री करने से क्या पुण्य मिलता है ब्राह्मणों को, मान लीजिए किसी को भी, तो हम कहेंगे एक पैसे का पुण्य नहीं मिलता। तो फिर क्यों करना? क्योंकि वो हमारा धर्म है, वो करना हमारा कर्तव्य है। जिस दिन पति और पत्नी, छोड़िए आप दोनों ने विवाह करने का प्रश्न लिया, आपको आश्चर्य होगा कि शास्त्र ये कहते हैं कि विवाह करने का निर्णय ये तब लेना चाहिए जब पिता बनने की तैयारी पुरुष की हो और मां बनने की तैयारी ये स्त्री की हो। अब तैयारी का अर्थ शास्त्र क्या कहते हैं? तैयारी का अर्थ ये कि माँ ये समझती हो कि मेरी कोख में इस राष्ट्र का, इस समाज का, इस परिवार का आने वाला वंश का दिया होगा और उसको संस्कारित करने की दृष्टि से मैं अब सिद्ध हूं। और पति ये सोचे कि वंशोत्पत्ति के लिए, संतानोत्पत्ति के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए मुझे उस में, जिस गृहस्थाश्रम में हूं, अब मुझे वो संतानोत्पत्ति की दृष्टि से मैं पिता बनने के लिए जो कर्तव्य आवश्यक है उसको करने के लिए मैं तैयार हूं, तब जाकर विवाह का निर्णय लेना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। आप सोचिए कि जो धर्म इस दृष्टि तक, इस गहराई तक सोचता हो, उस धर्म ने पुंसवन, सिमोंतनयन, अन्नप्राशन और अन्य अन्य संस्कार, वैदिक मंत्र और ये सब होता था हमारे हजारों साल तक। आप रामायण उठा के देख लीजिए, वाल्मीकि रामायण में उद्धरण हम आपको दे देंगे, सब जगह होता था। हमने मुगल आक्रमण के बाद में और अन्य अन्य जगहों की, वहां की there were so many circumstances prevailing at that point of time, हमारे को आर्थिक विषमता आई, कई लोगों के माइग्रेशन हुए इस जगह से दूसरी जगह तक, तो उस काल में वो छूट गया। एक ये करना धर्म है, न करना गलत है। नदी से कोई पूछे तुम बहती क्यों हो, वायु से पूछे बहती क्यों हो, अग्नि से पूछे तप्त क्यों, पानी से पूछे तरल क्यों, तो उसका उत्तर आंखों से पूछे देखती क्यों हो, नाक से पूछे सूंघते क्यों हो, इसका उत्तर किसी नाक ने आज तक आपको दिया है क्या? लेकिन वो यही है उसका उत्तर, वो धर्म है उसका। माँ जिस दिन है और पिता जिस दिन आप बने, मतलब आप जब आपने संतान उत्पत्ति का निर्णय लिया, गर्भ संस्कार करना धर्म है। धर्म का कारण नहीं होता, माता पिता की सेवा करना किसी कारण से नहीं होता, वो धर्म है, हमें करना है। दूसरी बात ये कुछ वैसा प्रश्न है, हम कहें कि हम आई आई टी के स्टूडेंट्स कितना पढ़ाते हैं, आपका बच्चा बड़ा होगा, मान लीजिए बड़ा हुआ तो क्या आप उसको आईआईटी की कोचिंग ऐसे कुछ लगाएंगे क्या? क्यों लगा रहे हैं? न करके भी होते हैं, क्या उत्तर देंगे? लक्षत ठेवा या संसारात निर्णय तुमच्या कर्तव्य नहीं होता। हम अगर करते गर्भ संस्कार तो हो सकता है कि जिन लोगों ने आपको ये कहा उनके जीवन में जो कमियां हो उनमें से कुछ कमियां न रहती, कुछ आप पूर्व जन्म के अपने कर्म लेकर आ रहे हैं और कुछ इस जन्म में आपकी जैसी माँ गर्भ संस्कार कर रही है, आपके परिवार, तो कुछ पूर्व जन्मों के कर्म लेकर आपका शिशु आया हुआ है भवितव्य लेकर, और कुछ आपके प्रयत्न इस बार हो रहे हैं, तो उससे शिशु का आगे का भाग्य, उससे शिशु का आगे का स्वास्थ्य, उससे शिशु का आगे का स्वभाव, इस पे आप कार्य कर रहे हैं। अगर न करेंगे, शिशु तो जन्म लेगा ही, लेकिन वो जो होगा वो इससे कमतर होगा। ये अपने शास्त्रों पर अपना अकंपित, अखंडित विश्वास होना चाहिए। तो मुझे लगता है वी आर डूइंग गर्भ संस्कार नॉट फॉर द सेक ऑफ द मैटर दैट इफ विल नॉट डू सो व्हाट देयर आर वी आर यू कैन सी पीपल ऑल अराउंड नॉट डूइंग गर्भ संस्कार एंड स्टिल गिविंग बर्थ टू द बेबीज। हम देख रहे हैं आसपास संसार में कि लोग गर्भ संस्कार नहीं कर रहे हैं और फिर भी शिशुओं को जन्म दे रहे हैं। हाँ, पर उन्हें, आपको क्या पता कि अगर वो गर्भ संस्कार करते तो उसके बाद जो शिशु जन्मता वो कैसा होता? विषय ये वाला है। तो प्रणाली, ग्रेट, यू शुड डू इट। तो वी आर डूइंग फॉर व्हाट वी कैन, नॉट व्हाट वी आर। हाँ, हम क्या हो सकते हैं इसके लिए गर्भ संस्कार है अपने शिशु के लिए।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप अभी जाकर हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार पर प्रोफेसर विपिन जोशी के 17 मिनट का गर्भ संस्कार का वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो ने हजारों प्रेग्नेंट लेडीज की जिंदगी बदल के उनकी प्रेगनेंसी को और भी ज्यादा पॉजिटिव और स्ट्रेस फ्री बनाया है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।